बीते 3 दिनों से लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब रफ्तार पकड़ने लगा है। शुक्रवार को 1902 जांचों के सापेक्ष में 10 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि गुरुवार को 11 और बुधवार को 13 संक्रमित मरीज मिले थे। वर्तमान में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा अब बढ़कर 44 के आसपास पहुंच गया है, जिससे एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। ताजनगरी आगरा में कोरोना संक्रमण का खतरा फिर बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे बुखार के मरीजों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक का दावा है कि जिन्हें टीका लगा है उनके लिए वायरस घातक नहीं है। हालांकि अभी भी सावधानी सभी के लिए बेहद जरूरी है। चौथी लहर के ना ठीक नहीं है, अब तो वैक्सीनेटेड है काफी लोग यहाँ के हमारे देश के। अब तो जो वायरल फीवर आ रहा है वो भी आरटीपीसीआर को पॉजिटिव दिखा रहा है। जो लोग पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो 2-3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, तो इसको ये कहना ठीक नहीं है। बता दें कि शुक्रवार को विगत 24 घंटे में हुई 1902 जांचों के सापेक्ष में 10 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि गुरुवार को 11 और बुधवार को 13 संक्रमित मिलने के बाद अब कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 44 के पास पहुंच गई है, जिसने कहीं न कहीं एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। ये वायरल फीवर का तो ये सर थोड़ी सफाई व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है हमारे देश में, इसकी वजह से बढ़ते हैं। ये हर साल एक जब सीजन चेंज होता है, बदलाव आता है वातावरण में, तब ये होता रह रहा है सर। इसके लिए कुछ नहीं करा जा सकता। क्या अभी भी कोई सलाह देंगे कि गैदरिंग से बचें, बाहर का खाना ना खाएं? नहीं, अब प्रोटोकॉल कोरोना का मानेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 फुट की दूरी है, मास्क तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे मंकी पॉक्स से भी बचे रहेंगे, वायरल फीवर से भी बचेंगे, और जिन लोगों को धूल धक्कर से एलर्जी होती है उससे भी बचे रहेंगे आप। कोरोना से तो बचना ही है और बचे भी रहेंगे आप। सभी मरीज होम आइसोलेशन में है, किसी को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जांच बढ़ाई जाएगी। इनसे बाजार की चीजों से बचना चाहिए, घर के पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा करें। और वैसे ये है कि हमारे जो सड़क किनारे बेच रहे हैं उनकी भी क्वालिटी अब तो अच्छी होती जा रही है, वो भी आरओ प्लांट का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतनी समस्या नहीं रह गई है। पेट की बीमारियां हमारे देश में कम होती जा रही है आरओ के जो पानी इस्तेमाल करने की वजह से। कुछ लोग समझदार भी हो गए हैं, गंदगी की समस्या काफी कम होती जा रही है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में वायरल बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, इनकी कोरोना जांच नहीं हो पा रही है, संक्रमण नियंत्रण के इंतजाम भी ठप पड़े हैं। बरसात में ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव से मच्छर व अन्य संक्रामक रोग पनप रहे हैं, ऐसे में कोरोना के पांव पसारने से नया संकट गहराने लगा है। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।